गाइस, मैं आपको एक जू पार्क के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अररिया में है। अररिया के जिला एक कुसियार स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पे एक जू पार्क है गाइस। उसके अंदर घूमने लायक काफ़ी चीज़ें हैं और ये पक्षी देख सकते हो, ऐसे काफ़ी सारे पक्षियाँ हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है गाइस। और मैं इससे रिलेटेड कुछ जड़ी बूटी बताऊंगा और बांस बताऊंगा, तुलसी बताऊंगा गाइस, जो कि कई प्रकार के बांस हैं। शाम बांस है, काली बांस है, लंबी बांस है, मीठी बांस है। तो गाइस, आपने खाली बांस को देखा होगा और काफ़ी पेड़ पौधे देखे होगा, उसके बारे में गाइस मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और प्लेटें लगी हुई है, क्या कौन कौन सी प्लेट है, किस चीज़ की है, तो आप A to Z पूरी वीडियो देखना। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ पार्टों में इनको डिवाइड कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो गाइस, इसको काफ़ी पार्टों में कर दूंगा मैं, दो या तीन। हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है रान चंदर। इस छोटे से ब्लॉग पे आपका स्वागत है दोस्तों। मैं भी आया हूँ कुसियार, देख सकते हो ये एक पार्क है, इसको जू पार्क भी कहा जाता है। सामने देख सकते हो पार्किंग, वो है यहाँ पे चार्ज दिया जाता है पार्किंग का। तो फिलहाल इसमें अंदर जाने की टिकट पहले 10 थी, तो अभी फ़िलहाल 20 है। तो आप देख सकते हो, अभी मैं अंदर जाऊँगा, आप यहाँ से देखिए नज़ारा। अभी मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या घूमने लायक है। तो वीडियो के साथ आप बने रहो और वीडियो कैसी है सर दोस्तों, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं भी अंदर जा रहा हूँ, ले लिया है मैं। तो दोस्तों, यहाँ आने का 20 रुपये किराया है। आप देख सकते हो दो भागों में बटा हुआ है, एक राइट है, एक लेफ़्ट है। तो हम पहले जाएंगे राइट की तरफ, जो कि यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी जाके देखते हैं क्या है दोस्तों। ये देखिए, चौकसा है कुछ, यहाँ से देखिए चौराया है, एक इस साइड रास्ता है, एक इस साइड है और एक इस साइड है दोस्तों, और एक मेरे पीछे है जो कि बाहर जाने का यही एक रास्ता और एग्जिट भी यही है। तो हम इधर फिलहाल इधर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सफाई का बहुत अच्छा सा ख्याल रखा गया, देख सकते हो डस्टबिन है यहाँ। और ये मैप है, आप देखिए, अगर आप आते हो तो इस मैप के थ्रू आप मतलब पूरा घूम सकते हो। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है। तो डस्टबिन वहाँ पे भी है, दो दोस्तों देख सकते हो, दो डस्टबिन वहाँ है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो फिलहाल मैं आपके दिन पहले आया था गांव, जो कि मुझे 10 दिन हो चुके हैं। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने आया हूँ। तो आप मेरी वीडियो में बने रहो और आपको मैं यहाँ की कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें दिखाऊंगा। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, ये देखिए क्या है, इस ये डिज़ाइन देखिए कितना बेहतरीन है, मतलब एक लेबोरेटरी के रूप कह सकते हो उसे। काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग है, आप देख सकते हो शीशे और पत्थर का बना हुआ है। और खिड़कियाँ देखिए काफ़ी बढ़िया हैं। और मैं आपको अंदर अगर जाने की अनुमति होगी तो अंदर भी जाकर देखो दोस्तों, सफाई का कितना अच्छा ध्यान रखा गया। ऊपर देखो कर्मचारी है जो कि सफाई कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे वातावरण काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप। ये जब बना होगा तब दोस्तों देखने के लायक होगा। ये रसोई घर है दोस्तों, देख सकते हो। तो यहाँ पर शायद कुछ पक रहा होगा, तो ये तो कुछ उनके गेस्ट के लिए होगा, मुझे तो मिलेगा नहीं खाने के लिए। वैसे भी मैं खाना खा के आया हूँ, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। मैंने काफ़ी सुना है ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो मेरे को बुक मिली थी तो मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाया, इतना समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है शायद मॉर्निंग में, पता नहीं कितने बजे खुलता है, मैंने पूछा नहीं है। तो मैं पूछ के बताऊँगा, शायद ये 8 के आसपास ही खुलता होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में बने रहो दोस्तों। एक देखिए इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, और देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग है जो कि पूरा। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है। ये डस्टबिन देखिए नीचे दोस्तों, देखिए कितना बेहतरीन डिज़ाइनिंग है जो कि पुराने ज़माने में होया करते थे। और यहाँ पे देखो पिक वगैरह भी खिंचवा रहे हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, आप देखिए काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस में जाऊँ, तो शायद अंदर जाने की अनुमति है कि नहीं है। वैसे तो टिकट लिया है तो जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ये है घर एक तरह का, एक यहाँ पे है बांस के पास, और एक ये है दोस्तों डिज़ाइन, देखिए काफ़ी अच्छा है। इसको मैं थोड़ा जूम नज़दीक से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुझे ये लिखा हुआ है कुछ, आप पढ़ो, यहाँ बांस के पेड़, हमारे गांव में बांस बहुत पेड़ है दोस्तों। तो देखिए बांस के पेड़ कितने सारे हैं, और शायद ये कलर कर रखे हैं या रंग ही ऐसा है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ दोस्तों, तो शायद इसको कलर कर नहीं दोस्तों, ये कलर ही ऐसा है। तो देखा आपने, मैंने इसको स्क्रैच किया फिर भी नहीं उतरा ये, तो इनका कलर ही ऐसा है। बांस भी कई तरह के होते हैं दोस्तों, तो मैंने ये बांस पहले कभी नहीं देखे थे। ये शायद ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनकी हाइट ही इतनी रहती है। तो
आप देखिए वीडियो। और इंजॉय कीजिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पेड़ पौधे इतने सारे हैं कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। तो महिलाओं और बच्चों के लिए सम्मान करें, तो मतलब महिला और बच्चों का मतलब सम्मान दिया गया। यहाँ पे देखो, नो स्मोकिंग, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ शायद कैमरा भी ले जाना आप कैमरे में। अच्छा अच्छा, कैमरे की निगरानी में हो। तो गाँव में होता है, आप देख सकते हो, नलका है, शायद इसमें पानी रहता है कि नहीं आता है, तो मैं बता नहीं सकता। तो देखिए, यही कुछ है, अभी छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं। शायद ये किस चीज़ के हैं मुझे भी नहीं पता, खजूर के हैं या किस चीज़ के हैं। बस दोस्तों, यहाँ पे आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उनके साथ आप आ सकते हो, या फैमिली हो उनके साथ यहाँ पे आके अपना मतलब टाइम कुछ बिता सकते हो। जो कहा जाता है दोस्तों कि मतलब कुछ भी गिफ्ट दे दो वो तो गिफ्ट लिया चला जाता है, बट समय किसी को दिया हुआ वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे साइन में दिया हुआ है पानी का, तो यहाँ पे पानी पीने का अच्छा प्रबंध है, देख सकते हो। तो वैसे भी गांव में पानी की कमी तो नहीं होती है। और ये है मेन गेट। देखिए इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग, जैव विविधता उद्घाटन कुशियार अभियान उद्घाटन, श्री सुनील कुमार मोदी। तो माननीय उप मंत्री पर्यावरण एवं बाल विकास के विजेंद्र प्रसाद यादव, ये शायद 1/8/2018 को किया गया, शायद ये अभी हाल ही में ही बना है दोस्तों। तो आप देखिए, काफ़ी अच्छा वातावरण है। जैसे शहरों में देखा होगा दोस्तों, अपने गार्डन वगैरह जहाँ शादी वगैरह होती है, ठीक इसी तरह है ये। बाकी उसके कहा जाए तो उससे मतलब वो इसका मेरे ख्याल से 2% होगा, तो ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। काफ़ी क्या बताऊँ, मुझे जितना मैंने पता भी नहीं है। और यहाँ से मैंने जिससे पूछा तो उसने एक बुक दी थी दोस्तों, तो मुझे मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो ये देखिए दोस्तों, केले के पेड़। तो ये किस तरह के केले के पेड़ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आपको नज़दीक जाकर दिखाता हूँ। ये केले हैं कि पता नहीं किस चीज़ के, ये अलग ही केले हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, केले मैंने वैसे बड़े बड़े देखे हैं, तो ये इनके पत्ते देखो नीचे से आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इनके पत्ते देखे नज़दीक से आ रहे हैं, किस तरह का पता नहीं, केले के पत्ते ही हैं जहाँ तक मेरे को दिख रहे हैं। तो आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, लाल रंग के कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ गुलाब हैं और फूल सही है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ गुलाब के फूल है और ये सफ़ेद गुलाब है जो कि शायद किसी ने तोड़। तो देखिए दोस्तों, आपको दो पार वो दिखाए फूल, ये तीसरा देखिए पीला गुलाब, आपने शायद नहीं देखा होगा तो पीला भी गुलाब देख लीजिए। तो अभी तक दो गुलाब दिखाए हैं, एक ये देखिए जो लाल है, ये वाइट है और इसका कलर भी देखिए चेंज है। तो यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे हैं ज़्यादा, मतलब काफ़ी मात्रा में। ये देखो दोस्तों, ये फूल कैसे हैं पता नहीं, शायद गुलाब के हैं किस चीज़ के, मुझे नहीं पता दोस्तों। देखो, पहले कभी मैंने देखे नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ देखो लिखा हुआ है भी इसके बारे में, मतलब फूल पत्ती नहीं तोड़ सकते। तो अपने फैमिली के साथ आ सकते हो और कुछ समय अपना यहाँ व्यतीत कर सकते हो। ये जो कि नहरें थी, तो इसको बहुत अच्छा से देखो डेकोरेशन किया गया है। ये नहरें हैं, देखिए दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये इस तरह के हैं, देखिए काफ़ी लाल लाल है, काफ़ी अच्छे हैं। और ये विद्या है, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो इसे बुक में रखते थे, कहते थे कि मतलब विद्या आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो गाइस, मेहनत करो। और ये देखो, यहाँ का ऊंचाई मतलब काफ़ी अच्छा है, तो मैं इधर ले आया हूँ, शायद इधर आना अलाउड नहीं है, तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ गार्ड थे, तो उन्होंने नई ज्वाइनिंग हुई होगी, तो उनको इनके बारे में नहीं पता था, उन्होंने मुझे बुक पकड़ा दी। तो मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं उनको पढ़ के इतना बता सकूं, तो उसकी फ़ोटो ले ली है, तो मैं अलग से आपको कुछ बता सकता हूं। ये देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, विथ सेवन विथ सिक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है कुछ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये संख्या है। और काफ़ी अच्छा है, गोल सा है दोस्तों। वो देखो वहाँ पे कुछ है गोल सा, वहाँ पे जाकर दिखाऊंगा आपको, दिखा दोस्तों, वो रहा वो गोल सा। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ। तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ काफ़ी सुनसान है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं अभी इतना सारा सामान लेकर आया हूँ, जो कि मैं अभी गाँव जा रहा हूँ। मेरा गाँव यहीं पड़ता है, कुशियार ही स्टेशन है। मेरा गाँव वैसे मोंगरा पड़ता है दोस्तों, जो कि कुशियार से कुछ किलोमीटर दूर के एरिया पर। देखो दोस्तों, यहाँ से आपको हरा भरा इलाका दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा जंगल एरिया है और कुछ नहीं है, मतलब पहले से बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इसको इसकी देख रेख की गई अच्छी। तो अगर आपको अच्छा घूमना हो तो दिल्ली का चिड़ियाघर जा सकते हो, अगर नहीं अगर आसपास रहते हो तो आ सकते हो दोस्तों, अपने परिवार को लेके। काफ़ी अच्छा है दोस्तों यहाँ पे, मतलब
रिलैक्स फील हो रहा है बस मुझे, और कुछ नहीं। तो अभी मैं यहाँ तो कोई मतलब साधन भी नहीं है जो, या कोई टूरिस्ट भी नहीं है जो उसकी मदद लेके मैं आपको कुछ यहाँ दिखा सकूँ। तो दोस्तों ये देखिए किस तरह का बांस है, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब बांस है। देखो दोस्तों किस तरह, नज़दीक से दिखाता हूँ, शायद आपने पहले कभी देखा हो। देखो गाँट सी बनी हुई है, देखिए दोस्तों गाँट सी बनी हुई है, दोनों में देख सकते हो गाँट सी बनी है, और ये बांस ही है दोस्तों। और नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं दूर जा कर दिखाता हूँ पूरा, ये देखिए गाइस ये मतलब वही है। और ये पता नहीं किस तरह का मतलब पेड़ है, ये देखिए पत्ते देखिए कैसे घुंघराले टाइप के हैं, तो मुझे इतने इनकी नॉलेज नहीं है। मतलब यहाँ पे काफ़ी आपको, अगर आप जड़ी बूटी की पहचान हो तो अच्छे खासे दवाई ले सकते हो यहाँ से। तो ये शायद इनकी मना तो नहीं करते होंगे अगर आपको नॉलेज है। ये टोटल सारा दोस्तों बांस है, और अभी आपको अंदर और ले जा रहा हूँ दोस्तों। ये काफ़ी एकड़ में फैला हुआ था, तो मेरे पास दोस्तों 10-15 किलो का सामान है, तो मैं अभी घूम नहीं पाऊँगा, वजन है काफ़ी। तो आपको उसके जितना मैं उतना घुमा दूँगा। हमारे वहाँ तो ये 8-10 हज़ार का लगता है जहाँ पे मैं रहता हूँ हरियाणा में। तो फिलहाल यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये होता रहता है। यहाँ पे इनके बारे में कुछ लिखा हुआ देख सकते हो, ये पता नहीं पेड़ का नाम है स्वर चंपा, शायद यही होगा, देख सकते हो। आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये है स्वर चंपा। तो इनके बारे में मतलब लिखा हुआ है, समुद्री अंगूरी वृक्ष। देखो दोस्तों ये वृक्ष है, तो ये देखिए इस तरह का ये पेड़ होता है वृक्ष, गोल सा पत्ता है, पान के आकार का है। तो यहाँ पर जितने भी हैं बस उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए ये जामुन का पेड़ है, तो गाइस इसकी हाइट छोटी है, देखिए जामुन है, तो आपने काफ़ी सारे देखी हुई ये गेट मतलब छोटी जामुन है। जामुन भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। तो इनके पत्ते आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, शायद जामुन कहने लगे तो अजीब से हैं ये। यहाँ पे जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं दोस्तों सबके बारे में ऐसे प्लेट लगी हुई है। तो आप मतलब ये सिंदूरी है दोस्तों, सिंदूरी वृक्ष मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे दोस्तों। आपको अगर किसी पत्ते की नॉलेज हो तो आप देख सकते हो, आप अगर एक वैद्य हो तो दवाई बना सकते हो। इस तरह का सिंदूरी है, और ये सारे टॉयलेट होगा देख सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा प्रबंध है, ठीक है। तो गाइस ये देखिए रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष का है दोस्तों, देख सकते हो ये रुद्राक्ष का है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में प्लेटें लगी हो दोस्तों, देखो वहाँ पे भी है। अगर आप जड़ी एक वैद्य हो तो यहाँ से अच्छे खासे दवाई मतलब, देखो दोस्तों प्लेट लग रही है आपको दिख रही हो तो वो देखिए गाइस कहाँ के, हाँ वो देख रहे हो प्लेट है, वो अगर आपको दिख रही हो तो आप देख सकते हो वहाँ प्लेट है। तो यहाँ पे वो माली है जो इनकी देख रेख करते, साइकिल देख सकते हो। तो फिलहाल ये यहीं कहीं आसपास ही होंगे, तो ये एरिया सुनसान है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आते हो तो 4-5 दोस्त है, तिल मटर वृक्ष, देखो देखो मटर वृक्ष, तिल मटर वृक्ष, तो ये गाइस ये होगा। तो फिलहाल तो ये जामुन का लग रहा है, तो पता नहीं दोनों एक ही जैसे है, देख सकते हो पत्ते दिखाते हो आपको पहचान हो तो देख सकते हो। तो इस तरह के होते हैं, देखिए गाइस मतलब यहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं ना उनके बारे में लिखा हुआ है। ये कोड़ी देवा देवादर देख सकते हो, कोड़ी देवादर ये है इसके, देखिए किस तरह के हैं ये तो छोटे हैं, ये बड़े मैं दिखाता हूँ। ये जामुन के पत्ते की तरह होते हैं, ठीक देख सकते हो, ठीक जामुन के पत्ते जैसे हैं। तो ये गाइस बांस दिखाता हूँ आपको, मोटा बांस वही जो मैंने देखा था। तो ये देखिए कितना मोटा है, मटके के कहा है दोस्तों, देख सकते हो। और इसमें कुछ लिखा हुआ है, किसी ने लिखा होगा, कोई प्रेमी जोड़े आए होंगे तो देख सकते हो नाम लिखा हुआ है काफ़ी। तो शायद वो सोचते हो मन्नत पूरी हो, ऐसा कुछ नहीं होता होगा शायद, तो मैं इन पर विश्वास नहीं करता। तो गाइस देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ, तो आप मेरी बात सुन के चौंक जाते हो, कभी सोचते होंगे कि अभी कभी अच्छा बताता कभी नहीं बताता। तो गाइस जिस तरह का मतलब वातावरण मिलेगा मुझे तो उसी तरह से मैं बताऊंगा गाइस। तो ये शायद आंवले का है गाइस, देख सकते हो ये छोटे छोटे पत्ते आंवले का होता है, या दूसरे भी हो सकते हैं क्योंकि ये जगह अजीब से है, देख सकते हो ये आंवले का हो सकता है शायद। तो ये अलग ही है, जिससे काफ़ी सारी ये नक्शा दिया गया गाइस, देख सकते हो रक्त चंदन गाइस, ये देखिए ये रक्त चंदन है, देख सकिए यहाँ पर नाम लिखा, और ये इस तरह का पेड़ होते हैं। तो देखिए गाइस इनमें मैं आपको कुछ वगैरह दिखाऊँ, पत्ते किस तरह के होते हैं, इस तरह होते हो। देखो यहाँ पे नक्शा बनाया गया है कुछ, मतलब ये एरिया उनको पता है जिन
कोई वेद हो ना गाइस, तो उसके लिए मतलब ये सही है। अपना 20 रुपये का टिकट लो और दवाई यहाँ से मतलब आप बना सकते हो अगर आपको पता हो। अमल ताशा गाइस देख सकते हो, ये इस तरह के मतलब यहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं सबके बारे में एक प्लेट लगी हुई है। तो ये देखिए जारुल इस तरह का यहाँ पे है। तो गाइस देखिए, तो यहाँ पर देखें कचनार, ये कचनार का देखें कचनार, ये गाइस इस तरह का ये पत्ता है। शायद इनमें फल आता हो, तो फिलहाल अभी सीजन नहीं है तो शायद नहीं होता हो। देखिए गाइस मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ, कचनार इस तरह का होता है ये पेड़। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ भी गाइस देख सकते हो, कचनार इधर भी लिखा, दोनों एक ही जैसे पत्ते हैं गाइस। और इधर देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है बाँस, इसका नाम ये दूसरे टाइप के बाँस है, काफ़ी प्रकार के बाँस होते हैं गाइस। तो देखो क्या लिखा है, बाकल, देखो दोस्तों ड्रैगन हेड बांस, ये देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है। ये गाइस देखिए इस तरह का ये बांस होता है, काफ़ी बांस भी मतलब कई प्रकार के होते हैं। तो ये इतने ही छोटे रहते हैं दोस्तों, तो ये बढ़ते नहीं। एक तो मतलब हिंदू धर्म में जो मटका होता है ठीक उस तरह होता है, और ये गाइस इसकी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो सभी जानते हो। ये मतलब हमारी देश की शान और मान और एक अद्भुत पेड़ है, जिसका नाम आप देखिए और आप खुद ही देख लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कहते हैं दोस्तों ये इंडिया में ही पाया जाता है, नीम का पेड़ देख सकते हो। तो इसे खाने से मतलब रक्त मतलब आप अगर इसको ये खाओगे तो आपके मतलब मच्छर डंक नहीं मारेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों काला बांस, आपको बांस भी इतने तरीके से दिखा दूंगा। देखो गाइस देखिए बिल्कुल काला है, इसमें पेंट नहीं किया गया गाइस देख सकते हो। इसमें चोट देखिए पूरा ही, अगर पेंट करता तो कहीं फ़र्क आता, देख सकते हो गाइस ये काला बांस है और ये पूरा ही काला है देख सकते हो। बांस भी कई प्रकार के हैं यहाँ गाइस, तो यहाँ पे हरे बांस, ये भी ब्लैक बांस है। तो आप देखिए पुत्र जीवन, वो देखो दोस्तों पुत्र जीवन, ये गाइस ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ये इस तरह का ये पेड़ है, बोर्ड देख लीजिए गाइस। और यहाँ पे देखिए आप, ये है वो जिसके बारे में बताया गया था, इनकी जड़ी बूटी बनती हो तो मुझे पता नहीं है गाइस। तो अभी आंवला का पेड़ दोस्तों वो है, वो और कुछ था, तो फिलहाल ये है आंवले का पेड़। दोनों का पत्ता एक जैसे होता है गाइस, देखिए ये देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है आंवले का। तो इसका मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है शायद। देखो दोस्तों श्याम बांस, अपने मुरलीधर के नाम पर रखा गया है, जो कि एक कन्हैया है श्याम बांस। ये देखिए ये पीला होता है, वो ब्लैक दिखा है, हरा दिखा है, तो ये श्याम बांस है गाइस। देखिए श्याम बांस ये पीले रंग का होता है गाइस, उधर भी देख सकते हो आप, ये दोनों एक ही जैसे हैं। ये मतलब कन्हैया जी के नाम पे रखा गया है, मुरलीधर के नाम से श्याम बांस, देख सकते हो। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, तो गाइस इस तरह का है यहाँ। ये देखिए गाइस छतवन, ये हमारे वहाँ भी बहुत इस काफ़ी सारे दोस्तों। तो ये है वो पेड़, देखिए गाइस दोनों में एक जैसे ही है। ये देखिए यहाँ पे मतलब सारे यही है दोस्तों, देखिए गाइस ये टोटल ऐसे ही हैं। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस यहाँ पे एक वेद हो ना गाइस, जो मतलब दवाई बनाते हैं तो उनका मतलब बोलिए गाइस। देखिए किस तरह का ये मतलब मकान बनाया गया, ऊपर देखिए पृथ्वी का कारक कुछ दिया गया है, तो शायद इसके अंदर जाने का वन अंदर जाके शायद अगर दिखाता होगा अंदर जाने की अनुमति हो तो। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है, देखिए गाइस देखिए ये मतलब सारे इसके मतलब जितने हमने अभी देखी औषधि देख सकते हो, उनको टोटल कितने लिखे हुए हैं वो सब लिखे हैं। ये प्रथम कतार था गाइस, तो आप इसमें देखिए इसमें बहुत सारे हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं, ये सब वही है गाइस देख सकते हो। और ये कुछ दोस्त आए होंगे यहाँ घूमने के लिए, तो अपनी पिक वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो शायद ये कॉलेज या स्कूल के होंगे। दोस्तों देखो मैंने पहले कभी ऐसे ऐसे मतलब पेड़ पौधे नहीं देखे थे गाइस। बैर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं दोस्तों, देखिए अभी बैर का पेड़ है, तो फिलहाल इसमें भी बैर हुए नहीं है। तो अभी मैं दिखाऊँ यहाँ पे भी, देखो दोस्तों वही बोर्ड लगा होगा शायद जो वहाँ पे था, देख सकते हो गाइस दिख रहा हूँ। तो
नहीं दिख रहा तो मैं आपको और नज़दीक से जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, देखिए और नज़दीक से दिखाता हूँ, ठीक है, और नज़दीक से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, आपको पढ़ सकते हो आप, ये देखिए गाइस, पढ़ सकते हो, तो ये देखो, और मॉल श्री बकूल। तो गाइस ये इस तरह का होता है, देख सकते हो, जो कि गार्डन के साइड सेट लगाया जाता है। मतलब दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि जैसे पेड़ काफ़ी सारे भी यहाँ जल की अच्छी व्यवस्था की, अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो, टैंक रखा हुआ गाइस। तो ये देखो दोस्तों, ये पक्षियों के लिए कितना अच्छा मतलब बनाया गया था, शायद में कोई रहता हो। तो गाइस इसकी सुंदरता देखिए इस पेड़ की, तो इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, मतलब कोई भी नहीं है गाइस, इसमें एक पत्ता ऊपर है थोड़े बहुत, तो बहुत सुंदर है। और गाइस देखिए आम का पेड़, इसको आम का पेड़ दिखा देता हूँ गाइस, देख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। ये देखिए गाइस आम का पेड़ है, आम भी काफ़ी प्रकार के होते हैं दोस्तों। आगे अमरूद का भी है गाइस, देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस लिखा हुआ है अमरूद, तो इधर पता नहीं किस चीज़ का है, साल का पेड़ दोस्तों, एक साल होती है ओढ़ने के लिए, साल का पेड़ है। तो देखिए दोस्तों साल मतलब मैं नमन करता हूँ उनको जिन्होंने ये पेड़ के साथ और नाम भी लिखा है, वो इमली का पेड़ है दोस्तों। इमली और जलेबी अलग अलग होती है गाइस, तो ये इमली का पेड़ है, देखिए आप इमली का पेड़ है, देखिए ये सब ज़्यादा नहर के किनारे बहुत ज़्यादा मिलती है गाइस, इमली का पेड़ है। इसमें इमली की तरह ही इसमें होती है, जो कि पकने के बाद इसके बीच के मतलब एक फल होता है, उसके बीच में दाने से होते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा है घर, मतलब एक कह सकते हो कि जो रिसर्च के लिए नहीं बनाए जाते हैं इस तरह का, यहाँ पे मतलब जितने भी मकान हैं सब ऐसे इस तरह बनाए गए हैं। और गाइस इसके बारे में तो नहीं पता है क्या है ये, तो यहाँ पे इसमें बताया नहीं है गाइस, यहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो शायद ये भी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। ये विद्या है गाइस, देख सकते हो, जो कि मैंने अभी मैं पीछे भी बताया था, प्राकृतिक व्यवसाय केंद्र है गाइस। अच्छा ये है प्राकृतिक व्यवसाय केंद्र ही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पीछे, ठीक। और ये नहर आपको बताया था दोस्तों, तो अभी फिलहाल इसके ऊपर एक डिजाइनिंग सा पुल बनाया दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। ये बांस है शायद, तो गाइस ये बांस ही है, बहुत अच्छा बनाया गया है, देखिए। और देखिए नहर ही है ये, तो फिलहाल अभी पानी नहीं है, जब इसमें बाढ़ आता हो इधर तो काफ़ी सुंदर लगता है ये एरिया देखने में। तो गाइस मैं थक चुका हूँ, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ये काफ़ी एक कड़वे फैला हुआ है, तो अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। तो बस गाइस इस छोटे से ब्लॉग में यही था, तो आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, तो शायद आपको इतनी नॉलेज काफ़ी है गाइस, ये देख सकते हो किस चीज़ का है, इसके बारे में तो लिखा हुआ भी नहीं। तो गाइस ये देखो दोस्तों, बांस काफ़ी अच्छा है, ये झपरा हुआ है, ये दूसरे बांस है गाइस, इसमें तो खाली पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, देखिए काफ़ी प्रकार के बांस है गाइस, देखिए इसमें पत्ते काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही पत्ते हैं, काफ़ी सारे पत्ते हैं गाइस इसमें। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, सतूत के टाइप का है, तो इसमें भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, पीछे लगा हुआ था गाइस, अभी इधर तो बोर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता नहीं हो सकता, सॉरी। तो बांस देखिए गाइस, काफ़ी सारे बांस दिखाए आपको, तो इधर भी देख सकते हो, तो ये गाइस अगर यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता, वो भी दूर है तो वहाँ भी अच्छे ही लग रहे हैं गाइस, कुछ सोच समझ के लगाया होगा, कहते हैं इनमें सांप होता है गाइस, तो ये फिलहाल दूर ही ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये मार्ग है हमारे जाने का, तो अंधेरे में शायद कोई आ जाए तो ठीक नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर जानवर के बारे में सुना था, बट अभी जानवर तो कोई दिखा नहीं है। तो गाइस बस यही था इस छोटे से ब्लॉग में, तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी है गाइस, अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना।